हेलो दोस्तों, नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सलीम चारणिया। आज जो है दोस्तों, मेरे पास ये मंत्र वाला बॉक्स बनाने आया है। ये वाला बॉक्स जो रहता है मंदिर में यूज़ रहता है, इसके अंदर यहां पर देखिए मैं एक 44-40 वाला बोर्ड यूज़ कर रहा हूं। ये वाला ऑडियो बोर्ड है, चूँकि इसके अंदर 44-40 IC लगी हुई है। ये वाला ट्रांसफार्मर जो है 12 वोल्ट 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर मैंने ब्रिज रेक्टिफायर कम्प्लीट कर लिया है, और ये वाला बोर्ड जो है इसमें लगेगा, और ये वाला जो है मंत्र का किट है। ये रिकॉर्डिंग IC रहती है इसकी, तो ये वाला किट मैं इसके अंदर फिट करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये किट जो है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेट लगेगा छोटा सा, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम रहेगा। ये वाला बोर्ड जो है दोस्तों इसके अंदर रहता है, और ये वाला स्पीकर है, ये 50 वोट का स्पीकर रहता है। और इसके अंदर जो है मैंने फुल रेंज वाला कौन सेट किया हुआ है, इसमें ऊपर वाला नहीं चलता है। तो चलिए, इसके अंदर मैं आपको यहाँ से ट्रांसफार्मर को लगाऊंगा। ये वाला बोर्ड है, इसका वायरिंग करना है। तो चलिए मैं वायरिंग को स्टार्ट कर लेता हूँ, थोड़ा नज़दीक से दिखा दूँ आपको। तो इसके अंदर जो है दोस्तों, यहाँ से हम 12 वोल्ट का सप्लाई जो है इसको देंगे। यहाँ पर ये स्पीकर का कनेक्शन है, तो दोनों स्पीकर का कनेक्शन है। यहाँ पर 2 नंबर पे ऑडियो इनपुट है, तो यहाँ से हम ऑडियो का पल्स लेंगे, और यहाँ से एक 5 वोल्ट का कनेक्शन लेंगे, जो कि ये वाला IC यूज़ किया है, 5 वोल्ट का IC रहेगा। तो यहाँ पर ये किट में हमें सिर्फ 5 वोल्ट का ज़रूरत है, और ये वाला जो IC रहता है वो स्पीकर का है। यहाँ पर आप डायरेक्टली स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा वाला। तो मैंने यहाँ पर जो है मुझे स्पीकर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी एक एम्पलीफायर किट है। तो मैं इसका जो है सिर्फ इसका प्री ही यूज़ करूँगा, प्री एम्पलीफायर का यूज़ करूँगा। तो ये वाला वॉल्यूम जो है, यहाँ पर मैं ड्यूल वॉल्यूम सेट करूँगा, क्योंकि वो गेयर वाला रहता है, ये वाला सादा वॉल्यूम है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले ड्यूल करूँगा। यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई रहता है, लेकिन ये 12 वोल्ट मेरे को ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो देखिए, छोटा सा एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, और यहाँ से इसका रेगुलेटर 5 वोल्ट का बनाया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली जो है इसकी पिन के ऊपर 5 वोल्ट सप्लाई देके यहाँ से जो है ऑडियो इनपुट करूँगा। तो ये वाला वॉल्यूम भी काम करेगा, और मंत्र भी अच्छे से इसका जो है साउंड क्वालिटी रहेगा। तो ये वाला काम जो है दोस्तों मेरे पास सबसे ज़्यादा रहता है, तो इसका वीडियो मैं डालता रहूँगा दोस्तों। आगे भी कुछ भी आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम रहेगा, तो आप मुझे कॉमेंट ज़रूर करना। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको कॉमेंट में ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वायरिंग को हम स्टार्ट कर लेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है दोस्तों, यहाँ से हमें 5 वोल्ट का कनेक्शन को लेना है, इसका ग्राउंड भी लेंगे, और यहाँ से जो है ऑडियो वाला जो पिन है रहता है 2 नंबर वाला, उसके ऊपर से ऑडियो इनपुट का वायर लेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों ऑडियो इनपुट में मैं यहाँ पर शील्डेड वायर यूज़ करूँगा, क्योंकि शील्डेड वायर जो रहता है उसके अंदर आवाज़ हमिंग नहीं रहता है, ठीक है। तो ये वाला वायर जो है मैं यहाँ पर शील्डेड वायर यूज़ करूँगा। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 2 नंबर की पिन से जो कैपेसिटर रहता है 4.7 MFD, उसके आगे से दोस्तों मैंने यहाँ पर ये वाला ऑडियो इनपुट का शील्डेड वायर निकाल लिया है। ये डायरेक्टली वॉल्यूम कंट्रोल के ऊपर लगेगा, और अभी इसके अंदर 2 वायर यहाँ से स्पीकर के, और यहाँ से 2 वायर जो है रहता है, एक 5 वोल्ट और एक ग्राउंड का निकालना है। तो ये वाला आगे कहाँ पर देना है दोस्तों, मैं इसका पूरा वीडियो बनाऊँगा। तो देखिए, ये वाला ग्राउंड है, और ये वाला 5 वोल्ट का है। ये दोनों कनेक्शन यहाँ पर कर दिए हैं। अभी इसका वायर जो है थोड़ा लंबा ही रखूँगा, क्योंकि मुझे ऊपर तक निकालना है वायर। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने इसका वायर निकाल लिया, और अभी जो है यहाँ पर मैं स्पीकर का कनेक्शन करूँगा। उसके बाद जो है वाला सभी ट्रांसफार्मर और ऑडियो बोर्ड रहता है वो वाला फिटिंग करके फिर इसका वायरिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला बॉक्स जो है कम्प्लीटली यहाँ पर फिटिंग कर दिया है। इसके अंदर 8 इंच का स्पीकर लगा है, यहाँ पर ट्यूटर है। तो ये वाले जो कनेक्शन है दोस्तों मैंने निकाले हुए थे, ये वाले ऑडियो इनपुट के हैं, ये वाले 5 वोल्ट और ग्राउंड है, और ये वाले जो है दोस्तों यहाँ पर मैंने स्विच के निकाले हैं। इसका कनेक्शन मैंने यहाँ पर नीचे सॉकेट पर कनेक्ट किया है, क्योंकि कस्टमर का बोलना था कि ये वाला स्विच जो है मुझे थोड़ा दूर फिटिंग करना है,
और ये वाला बॉक्स जो है थोड़ा ऊपर फिटिंग करना है, तो यहाँ पर वो टच नहीं कर पाएंगे स्विच को, इसलिए जो है स्विच को नीचे ही उसको लगाना है। तो मैंने उस प्रकार से यहाँ पर जो है फिटिंग कर दिया है। अभी इसके अंदर मैंने एक आईसी लगा हुआ था जो कि ये साउंड का आईसी रहता है, LM386, तो ये मैंने निकाल दिया है, इसका मुझे ज़रूरत नहीं था। यहाँ पर जो है इनपुट का वायर लगेगा, यहाँ पर 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे तो ये वाला बोर्ड है ऑपरेट हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है यहाँ पर एक प्लेट लगेगा और इसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल फिटिंग होगा। तो सभी वायर को यहाँ पर एक जैसे कर लेंगे। यहाँ से जो है ये वाला ऑडियो का इनपुट है, आईसी के 2 नंबर की पिन से जो निकला हुआ वायर है, ये जो वायर रहता है दोस्तों, यहाँ पर हम आरती के जो ये वाला बोर्ड रहता है रिकॉर्डिंग वाला, उसके अंदर लगाएंगे। तो इसके अंदर दोस्तों ये वाला आरती और मंत्र का काम है, मेरे पास रेगुलर रहता है, बनाने आता है, तो इसको जो है मैं रेगुलर बनाता रहता हूँ। आरती वाला बॉक्स जो रहता है वो भी मेरा रेगुलर रहता है। तो इसके अंदर जो है ऑडियो के पल्स रहेंगे, देखिए ये वाला ग्राउंड है, यहाँ पर मैंने 47 के का एक वॉल्यूम लगाया हुआ है, यहाँ पर जो है इसका 5 वोल्ट का सप्लाई रहेगा। इसके अंदर कोई भी USB पैनल मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर को जो है USB चलाना ही नहीं है दोस्तों, तो ये वाला पैनल मुझे यहाँ पर लगाना ही नहीं था। तो ये वाला 5 वोल्ट है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट का एक ट्रांजिस्टर रहता था रेगुलेटर का, वो भी निकाल दिया है, क्योंकि उसमें दोस्तों 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाते हैं और मुझे यहाँ पर डायरेक्टली 5 वोल्ट सप्लाई मेरे पास था, तो यहाँ पर मुझे वो ट्रांजिस्टर की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए जो है मैंने वो ट्रांजिस्टर भी यहाँ से हटा दिया है। तो ये वाला 5 वोल्ट का कनेक्शन यहाँ पर हो गया। अभी इसको हम स्टार्ट करेंगे तो ये वाला बजने लगेगा। ये दोनों वायर है स्विचिंग के जो है रीसेट के है, तो यहाँ पर ये वाला वायर मैं बाद में कनेक्ट करूँगा, पहले इसको मैं चेक करवा देता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से ये वाला जो है मेरा मंत्र का बॉक्स रहता है, तो ये वाला कंप्लीट हो गया है। कस्टमर ने दिया हुआ था मेरे पास ट्रैक, तो इसका मैंने रिकॉर्डिंग करवा के ये वाला किट बनाया हुआ है। तो मैंने ये वाला पैनल लगा दिए, यहाँ पर वॉल्यूम फिटिंग कर दिया है, तो ये वाला जो है कम्प्लीटली मंत्र का बॉक्स कम्प्लीट हो गया है। तो दोस्तों ये वाला वीडियो मेरा कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन जो है ऑन कर ले, ताकि जो है मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ।